हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ के डिफरेंस की। गाइस, आप में से कई स्टूडेंट्स ने पूछा है, ये एक डाउट है, कई स्टूडेंट्स ने पूछा कई वीडियोस के कमेंट्स में कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर इन तीनों का मतलब एक ही है, जैसा कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि इन तीनों का यूज किसी भी सेंटेंस में के कारण के सेंस के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बैड वेदर के कारण, यानी खराब मौसम के कारण, फीवर के कारण, बुखार के कारण, भारी बारिश के कारण, आपके रूड बिहेवियर के कारण, यानी आपके कठोर व्यवहार के कारण, उसके स्मार्ट वर्क के कारण, हमारी अच्छी कस्टमर सर्विस के कारण, मेरी लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, आपके कारण, यू, बीइंग एंग्री, गुस्से में होने के कारण, या फिर समय पर पहुंच चुके होने के कारण, यानी समय पर पहुंच जाने के कारण। तो ये तो अंडरस्टूड है कि के कारण, लेकिन ड्यू टू का यूज किया जाए, ओइंग टू का यूज करें या फिर बिकॉज ऑफ का यूज करें। क्या कोई रूल है कि कहां पर ओइंग टू का यूज नहीं करना है, कहां पर ड्यू टू का यूज नहीं करना है? तो गाइस, ग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो ग्रामेटिकली कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ, स्पीकिंग में जब आप कॉन्वर्सेशंस करते हैं तो वहां पर एक रूल होता है। इस बात को समझाने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ड्यू टू को मैं कहता हूं 1, ओइंग टू को 2, बिकॉज ऑफ को 3, और मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप 1, 2, 3, इन तीनों का यूज कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं ड्यू टू बैड वेदर ऑल द ट्रेन्स हैव बीन कैंसल्ड, या फिर owing to bad weather all the trains have been cancelled, या फिर because of bad weather all the trains have been cancelled। खराब मौसम के कारण सभी ट्रेन कैंसल की जा चुकी हैं, यानी रद्द की जा चुकी हैं। दूसरे सेंटेंस में I am at home, मैं घर पर हूं किस कारण से, तीनों का यूज कर सकते हैं। बुखार के कारण मैं घर पर हूं। I postponed today's meeting, मैंने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी, postpone कर दी, इनफैक्ट कैंसिल नहीं, कैंसिल का मतलब तो होता है कि निरस्त कर दी, postpone का मतलब यह है कि उसको आगे के लिए टाल दिया। तो मैंने आज की मीटिंग को postpone कर दिया किस कारण से, तीनों का यूज आप कर सकते हैं। ड्यू टू हैवी रेन, ओइंग टू हैवी रेन, या फिर बिकॉज ऑफ हैवी रेन, तीनों का यूज हो सकता है। लेकिन अब इस सेंटेंस में देखिए, योर फेलियर वॉज योर रूड बिहेवियर, यहां पर आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर 1 और 3, यानी ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ओइंग टू का यूज यहां पर प्रैक्टिस में नहीं किया जाता, कॉन्वर्सेशंस में नहीं किया जाता। सवाल यह है कि क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता से पहले देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में भी मैं आपसे कहता हूं कि आप ड्यू टू का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन ओइंग टू का यूज नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में भी ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ओइंग टू का नहीं कर सकते। आई फेल्ड द एग्जाम, मैंने एग्जाम फेल कर दिया, यानी मैं एग्जाम में फेल हो गया किस कारण से, मेरी नेग्लिजेंस के कारण से, मेरी लापरवाही के कारण से, यहां पर आप तीनों का यूज कर सकते हैं। आई एम हियर जस्ट ड्यू टू यू, ओइंग टू यू, बिकॉज ऑफ यू, मैं यहां हूं केवल किसके कारण, आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से मैं यहां पर हूं, यानी केवल आपके कारण मैं यहां पर हूं, के कारण या की वजह से। गुस्से में होने के कारण 1 या 3, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ का यूज, ड्यू टू बीइंग एंग्री या बिकॉज ऑफ बीइंग एंग्री, गुस्से में होने के कारण ही स्टार्टेड अब्यूजिंग पीपल, उसने शुरू कर दिया लोगों को गाली देना, गाली देना, चूंकि ये भी एक वर्ब है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है, मेन वर्ब तो ये है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है, इसलिए जेरंड फॉर्म का यूज किया। यहां पर भी मैंने कहा कि आप ओइंग टू का यूज नहीं कर सकते, और इस सेंटेंस में समय पर पहुंच चुके होने की वजह से या फिर समय पर पहुंच जाने के कारण, आई कुड मीट हिम, मैं उससे मिल सका या मैं उससे मिल पाया, सका या पाया के लिए आप कुड का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपसे यह कहा कि 1 या 3 का आप यूज कर सकते हैं, ओइंग टू का आप यूज नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि मैंने इन 5 सेंटेंसेस में ओइंग टू का यूज नहीं किया। क्या है सेंटेंस, पहला सेंटेंस, योर फेलियर वॉज ड्यू टू योर रूड बिहेवियर, आपका, आपकी असफलता या आपका जो फेलियर था वो किसकी वजह से थी,
आपके रूट बिहेवियर के कारण या आपके रूट बिहेवियर की वजह से। इस सेंटेंस में उसकी सक्सेस, उसकी सफलता है किसके कारण? उसके स्मार्ट वर्क के कारण। और तीसरे सेंटेंस में हमारी ग्रोथ है किसके कारण? हमारी अच्छी कस्टमर सर्विस के कारण। आपने ये नोट किया होगा कि इन तीनों ही सेंटेंसेस में इज और वॉज के तुरंत बाद के कारण का सेंस निकल के आया, तुरंत बाद। तो इससे आपको क्या फाइंडिंग मिली, क्या आपको समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये जो वर्ब्स हैं, ये क्या वर्ब्स हैं? इनको कहा जाता है टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स के तुरंत बाद कौन सी होती हैं टू बी वर्ब्स? मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया भी था, देखिए एक चार्ट आपके सामने है। प्रेजेंट की टू बी वर्ब्स कौन सी है? इज, एम, आर। पास्ट की टू बी वर्ब्स कौन सी है? वॉज, वर। और फ्यूचर की टू बी वर्ब कौन सी है? विल, बी। इससे यह पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में टू बी वर्ब्स के तुरंत बाद अगर के कारण के सेंस के लिए आपको ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू का यूज करना पड़े, तो आप ओइंग टू का यूज नहीं करते हैं कॉन्वर्सेशंस में। तो यहां पर आपने देखा दो कंडीशंस। पहली है टू बी वर्ब्स के तुरंत बाद, टू बी वर्ब्स के तुरंत बाद आप ओइंग टू का यूज नहीं करते कॉन्वर्सेशंस में और पार्टिसिपल क्लॉजेस में नहीं करते। हालांकि यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप में से जो स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि ग्रामर का क्या ये रूल है, क्या ग्रामेटिकली ये चीज करेक्ट है, तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज को अगर आप फॉलो करें या उनके रेफरेंस को लें, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि टू बी वर्ब्स के तुरंत बाद आप ओइंग टू का यूज नहीं कर सकते या फिर पार्टिसिपल क्लॉजेस में यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ ये कॉन्वर्सेशंस में अप्लाई होता है। मैं अपने सभी व्यूअर्स से जो इस समय इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में है, जैसे आप यूके में हो सकते हैं, यूएस में हो सकते हैं, आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि इस बात को मैं अपने सब्सक्राइबर्स को और सब्सक्राइबर्स को भी इस बारे में अवेयर कर सकूं। आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।